जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 फरवरी से शुरू हो चुके एशिया के सबसे बड़े एयर शो के बारे में। दोस्तों एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी एरो इंडिया 2023 13 फरवरी से बेंगलुरु में शुरू हो चुका है। दोस्तों यह शो 17 फरवरी तक चलेगा। बेंगलुरु के ये लंका एयरफोर्स स्टेशन पर एयरो इंडिया 2023 का आयोजन हो रहा है। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस एयर शो का उद्घाटन कर चुके हैं। इसी के मद्देनज़र 8 फरवरी से कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आंशिक तौर पर बंद कर दिया गया है। दोस्तों खास बात यह है कि इस एयर शो में 731 एग्जीबिटर्स शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 633 घरेलू व 98 अंतर्राष्ट्रीय होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 14वां संस्करण है। इससे पहले इसका 13वां संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था, जो कोविड महामारी के कारण केवल 3 दिनों के लिए हुआ था। इस बार यह 5 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों पिछली बार इसे आम लोगों के लिए नहीं खोला गया था, साथ ही कोविड महामारी के चलते भी लोगों के विजिटिंग पर रोक लगाई गई थी। पिछली बार हुआ एरो इंडिया सबसे बड़े हाइब्रिड शो में से एक था, जिसमें 530 कंपनियों के साथ 43 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया था। इस बार एयरो इंडिया 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल पिछले सभी कार्यक्रमों से अधिक लोग आएंगे। एयरो इंडिया 2023 का आयोजन नोडल एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करेगी। यह एजेंसी देश में रक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करती है। दोस्तों आपको बता दूं कि एयरो इंडिया एयर शो की शुरुआत साल 1996 में हुई थी। इसका दूसरा संस्करण 1998 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। उस समय इस एयर शो में MiG-23, 3 HAL तेजस और कई भारतीय वायुसेना के बेहतरीन एवं शक्तिशाली विमान शामिल हुए थे। तब से अब तक इस एयर शो की मेजबानी बेंगलुरु का यह लंका एयरफोर्स स्टेशन कर रहा है। इस एयर शो में दुनिया भर के युद्ध के लिए डिजाइन किए गए विमान अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए आते हैं। इस शो को एशिया का सबसे बड़ा शो माना जाता है, जिसमें भारत, रूस, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस सहित कई देश शामिल होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एयरो इंडिया शो देखने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह शो 5 दिन चलेगा, जिसमें इसके शुरुआती 3 दिन बिजनेस डे और बाकी 2 दिन आम जनता के लिए रखे गए हैं। इस शो में 800 से ज़्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यक्रम में मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों यह शो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम को देखने के लिए टिकट की कीमत क्या है, इसे कैसे बुक करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस शो को देखने के लिए 3 कैटेगरी में टिकट बांटे जा रहे हैं। पहली कैटेगरी जनरल की है, दूसरी कैटेगरी एयर डिस्प्ले व्यूइंग एरिया यानी ADVA की है, इसके बाद तीसरी कैटेगरी बिजनेस की है। जनरल कैटेगरी का टिकट खरीदने पर भारतीयों के लिए टिकट का प्राइस ₹2500 है, वहीं विदेशी दर्शकों के लिए इसकी कीमत $50 रखी गई है। जनरल टिकट के साथ 16 और 17 फरवरी का शो देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी यानी ADVA कैटेगरी के टिकट के लिए भारतीयों को ₹1000 और विदेशी दर्शकों को $50 खर्च करना होगा। इस टिकट पर 14 फरवरी से 17 फरवरी तक आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी यानी कि बिजनेस कैटेगरी की। बिजनेस कैटेगरी के लिए टिकट की कीमत ₹5000 तथा विदेशी दर्शकों के लिए $150 रखी गई है। इस पर आप 13 से 15 फरवरी तक जा सकते हैं। दोस्तों आपको टिकट बुक करने के लिए एयरो इंडिया की वेबसाइट aeroindia.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद टिकट सेक्शन पर क्लिक करें और वहां से उचित जानकारी भरकर आप अपने टिकट को चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको हम बताते हैं किस दिन क्या क्या होगा। पहले दिन 13 फरवरी को उद्घाटन कार्यक्रम के बाद फ्लाइंग इवेंट इंडियन स्पेस एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर यानी DSAW की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन 14 फरवरी को कई देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होगा। इसके अलावा आम जनता के लिए हवाई जहाज़ों की उड़ान होगी। इसी दौरान एयरफोर्स, DRDO और कोस्ट गार्ड का एक सेमिनार भी होगा। तीसरा दिन 15 फरवरी को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के साथ भारतीय नौसेना की मुलाकात होगी। इसके अलावा सालाना स्टार्टअप इवेंट मंथन की भी शुरुआत होगी।
चौथा और पांचवा दिन कार्यक्रम जनरल कैटेगरी के लिए खुला रहेगा। इसके साथ हवाई करतब भी दिखाए जाएंगे। दोस्तों, भारत की ओर से इस शो में 15 हेलीकॉप्टर की मदद से आत्मनिर्भर फॉर्मेशन उड़ान का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हल्के उन्नत हेलीकॉप्टर के सभी प्रकार यानी युद्धक हेलीकॉप्टर और हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। HAL का LCA तेजस शो का सबसे आकर्षण का केंद्र होगा। LCA तेजस एक सिंगल इंजन वाला हल्का अत्याधुनिक चुस्त एवं मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है। शो में पांचवी पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA LCA तेजस मार्क टू और नेवल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स सहित भारत के भविष्य के स्वदेशी विमानों के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। ये सभी डेवलपमेंट के स्टेज में हैं। शो में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण के मॉडल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल इस एयर शो में भेजा है। शो में अमेरिका की ओर से अपने पांचवी पीढ़ी के दो सुपरसोनिक जेट F-35 को भी उतारा गया है। भारत सरजमी पर अमेरिका ने पहली बार अपने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उतारा है। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने अपना B-1B लेंसर जो कि एक बॉम्बर है उसको भी उतारा है। इस शो में एक F-16 फाइटिंग फाल्कन डुवे सेन भी हवाई करतब दिखा रहा है। अमेरिकी नौसेना के F-18E और F-18F सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी इस शो में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से एयरो इंडिया 2023 में भाग लेने वाली कंपनियों में बोइंग, GE एयरोस्पेस, जनरल एटॉमिक्स, एरोनॉटिकल सिस्टम सिंक, लॉकहीड मार्टिन, प्रेट एंड विटनी, TW मेटल्स LLC और यूनाइटेड परफॉर्मेंस मेटल शामिल हैं। दोस्तों, F-35 फाइटर जेट की खूबियों के बारे में बात करें तो यह दुश्मन का पता लगाने और उससे बचकर वार करने में सक्षम है। जब भारत की धरती पर F-35 ने उड़ान भरी तो सब तस्वीरें खींचने लगे। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से उड़ने वाला विमान बेहद ही खतरनाक है। यह किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इस फाइटर जेट की डिमांड दुनिया में बहुत अधिक है। यह ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नॉर्वे, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, इसराइल, जापान और तुर्की के पास है। भारत भी इसे अपने डिफेंस बेड़े में शामिल करने के प्रयास में है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट अपने साथ 910 किलोग्राम के 6 बम लेकर उड़ने की ताकत रखता है। इस शो में अमेरिका के दो फाइटर जेट प्रदर्शित हो रहे हैं। पहला F-35A लाइटनिंग 2 और दूसरा F-35A जॉइंट स्ट्राइक शामिल हैं। दोस्तों, इसमें रशिया का पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 भी शिरकत कर रहा है। इस प्रदर्शनी में 809 रक्षा कंपनियों के अलावा 98 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में 32 देशों के रक्षा मंत्रियों, 29 देशों के वायुसेना प्रमुखों, वैश्विक और भारतीय OEM के 73 CEO भाग ले रहे हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।